तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमें हॉस्पिटल से हम लोग डिस्चार्ज होने वाले हैं। हाँ। और ये तनुजा और ये हमारे छोटा बच्चा हमारा। और दीक्षु और मैं अभी सबसे पहले जा रहे हैं मार्केट, वहाँ पे कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेके आना है, तो अभी जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट से कुछ शॉपिंग करते हैं। कुछ केक वगैरह भी लेंगे। हाँ, लेना तो पड़ेगा ही। अब हम निकल गए, हम एक शॉप में आए हैं, यहाँ पे कुछ सामान ले रहे हैं डेकोरेशन का, जैसे अभी आपको दिखाते हैं। ये कुछ बलून्स हमने किए चूज, जिसमें वाइट और ब्लू है। इसको पंप करने के लिए, इसको पंप करने के लिए इसके बाद हम आ गए फ्लावर की शॉप में, जहाँ से हमने कुछ फ्लावर्स लिए, कुछ पेटल्स लिए, जिससे हम डेकोरेशन करने वाले थे। हम एक और शॉप में आए हैं और यहाँ पे हम वेलकम बेबी का जो लोगो होता है वो लेने के आए हैं। इसमें आप ये लगाओ, दो लगाओ स्टार। अभी फ्लावर्स ले लिए थे हमने, चलो बनाते हैं। और साथ में कुछ और डेकोरेशन का आइटम लिया। अभी हम लोग ये लेके जा रहे हैं, दिखा दो एक बार। वेलकम बेबी। अभी तनुजा के लिए और बेबी के लिए मेडिसिन ले लिए, और अभी हम वेट कर रहे हैं दीक्षु का और अंकल का, मतलब गाड़ी लेके आएंगे वो, और उसके बाद हम उस पर जाएंगे। फाइनली हॉस्पिटल से 2.5 दिन के बाद, है ना, 2.5 दिन के बाद। हाँ, 3 दिन ही मान लें, तीसरे दिन जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी बेबी को गोद में पकड़ा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी शक्ल देख कैसा लगता है कि इसको बस देखते रहो, बहुत नहीं हारने का मन करता है बस। ये बैठ गई, कंफर्टेबल है। मैं चेयर पीछे कर रहा हूँ ना थोड़ा, पर आपको ठीक है। ये पहुँच गए हैं। और रुके एक सेकंड। तो अभी हम आ गए अंदर और दीक्षा ने कुछ रेडी करके रखा है, अभी आपको दिखाते हैं। तो मुझे नीचे अभी उसको सीढ़ियों में चढ़ने में अभी काफ़ी दिक्कत होने वाली है, मैं नीचे जाऊँगा उसकी हेल्प करूँगा, और तब तक आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ कर रखा है दीक्षा। ये देखिए इस तरह से कुछ सजावट कर रखा है। घर पहुंचने के बाद हमारी नेबर आंटी ने हमारी नज़र उतारी राई और पानी के साथ। ये इनका राजस्थानी रिवाज है, तो इनने हमारी ऐसे ही नज़र उतारी। उसके बाद उन्होंने बोला अपनी बहू से कि तिलक लेके आ, और कंचन दीदी उसके बाद अंदर चली गई तिलक लेने के लिए। हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, और मैंने बेबी को पहली बार ऐसे गोद में पकड़ा था, उससे पहले मैंने नहीं पकड़ा था इसको। फिर कंचन दीदी ने हमारा तिलक किया बेबी का और मेरा। बहुत अच्छा लगता है ना जब कोई बाहर से हमारा कोई अच्छा अपना बन जाता है। तो आंटी लोगों ने भी हमारा ऐसे ही स्वागत किया था, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पे दीक्षु का और बेबी का भी तिलक हो रहा था, और उसके बाद बेबी और मैंने की हमारे घर में एंट्री।
तनुजा अपने घर में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये देखो कितना अच्छे से दीक्षु ने सजाया था, ये हमारा बच्चा। अगर आपको हमारे इसी तरह के ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।